और कर लेते हैं बड़ी खबर का। घुसपैठियों पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। घुसपैठियों के भूखंड आवंटन पट्टे निरस्त किए जाएंगे। ये बड़ी कार्रवाई की जानी है सभी पर। पट्टे जारी करने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। नगरीय विकास मंत्री खर्रा ने विधानसभा में ये बड़ी घोषणा कर दी है। विधानसभा में चित्तौड़गढ़ विधायक ने पट्टों का मामला उठाया था। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने फर्जी तरह से पट्टे हासिल किए हैं और इसे लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। जाबर सिंह खर्रा ने सदन को कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया है। रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो भी भूखंड आवंटित हो गए। इस मामले में मेरा कहना यह है कि सिर्फ भारत के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को, जो बेघर हैं जिनके पास रहने का स्थान नहीं है, उनको स्थान उपलब्ध करवाने की हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी भी अवैध तरीके से घुसपैठिए, चाहे वो बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों, रोहिंग्या हों, उन्होंने कूटरचित दस्तावेज पेश करके भूखंड आवंटित करवा लिए हैं, तो भूखंड तो आवंटन हो गया होगा, वह निरस्त हो गया होगा, लेकिन कूटरचित दस्तावेज बनाने के मामले में उसके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई करवाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घुसपैठियों पर अब सरकार सख्त हो चली है। घुसपैठियों को जो भूखंड आवंटित किए गए हैं वो तमाम पट्टे निरस्त करने के आदेश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। पट्टे जारी करने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। जिन्होंने अवैध तरीके से घुसपैठियों को पट्टे जारी किए हैं उन तमाम कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय विकास मंत्री खर्रा ने विधानसभा में ये बड़ी घोषणा की और आपको बताते चले कि जो जो लोग इसमें शामिल हैं उन सभी पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। तो बताते चले कि विधानसभा में चित्तौड़गढ़ के विधायक ने ये मामला उठाया था कि किस तरीके से घुसपैठियों को पट्टे दिए जा रहे हैं और इस मामले पर अब कार्रवाई के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।